अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? तो वैसे ठीक है, उम्मीद है सारे ठीक ठाक हो। सो अल्लाह दे फजलो करम नाल मैं भी ठीक ठाक हाँ। मैं हाँ इरफान अहमद, तो साढ़े पे यूट्यूब चैनल फानी मलिक। जनाब पैकिंग वगैरह देख के तुसा समझ तो गए सो कि या तो मैं कह सफर ही वेंदा पिया या कह टूर ते वेंदा पिया। टाइटल या थंबनेल देख के तो वैसे ही पता लग गया उसी कि असा टूर की तैयारी की खड़े टूर ते वेंदे पे। इस गलो जेड़े ना दो त्रै सूट ते बाकी पावर बैंक इस तरह का समान जेड़ा अपना जरूरियात दा नाल है ना वो जड़ा पैक कर के दे बैग दे विच। तो जनाब असा आज तैयारी की खड़े टूर वेंदे पे केड़ी जगह ते वेंदे पे फोर्ट मिनरो वेंदे पे। तो थोको मैं दसना चाह लाइफ इज फर्स्ट टाइम मैं जो टूर वेंदा पिया ना स्कूल लाइफ इज ना कॉलेज लाइफ इज किदें भी टूर ते नहीं गए। हालांकि बै क्लास फैलो वेंदे हैं असा किदें भी टूर ते नहीं गए। तो हूँ चांस मिले लाइफ इज फर्स्ट टाइम वंजन दा अपने इतों इलाके दे दोस्त वेंदे पैन उन्हें आखे इरफान जुल सारे नाल उत्तां फोर्ट मिनरो जुलदे तो उतो वाला माहौल दिखेने काफ़ी इंजॉयमेंट थी थी। तो मैं उन्होंने पहले आखे मैं कह यार लोग वेंदे ठंडे मिठे मौसम इंजॉयमेंट करन। तो अजकल गर्मी का बहुत यानी कि शदीद बहरान है गर्मी का मौसम है। तो गर्मी जैसा कि वैसे उन्हें आखे असा जुलदे गर्मी के मौसम इंजॉय करन। तो असा अज तैयारी उ की खड़े जुलदे पे फोर्ट मिनरो बाकी भी काफ़ी नाल दोस्तीन पे कोच कराई खड़े कोच ही जितने बंदे आ गए 18 to 20 बंद की तैयारी है पी माशाल्लाह। तो फोर्ट मिनरो पहले तो मैं किने ही ना गया सिर्फ ना सुना है हूँ ही दोस्तों को ना सुना है कि उतना ही वेंदे पे नहीं पता उतना रेतला इलाका है गर्म इलाका है पहाड़ी इलाका है केजा इलाका है ठंडा इलाका है कोई समझ कोनी कोई पता ही कोनी। ये तो जल्द जुलसों वत उतना वहीं के पता लग सी कि केजा इलाका है उन्दे तू पहले तो दसा जाके पहले असा वेना सखी सरवर दरबार शरीफ थे उतना वहीं के हाजरी देवनी से सलाम पेश करे सो उन्दे तू बाद अगा अपना टूर जड़ा है ना फोर्ट मिनरो उतना बाद ही वैसूँ पहले जो है ना सखी सरवर दरबार से वैसूँ। तो सारी आई दी तैयारी है शामी 9 बजे की सॉरी शामी आधा रात दे 9 बजे की सारी तैयारी है पई। तो पैकिंग वगैरह मैं हूँ कर की दी मगरब का टाइम थी पी है बाकी अपनी हूँ तैयारी करनी है धावना वगैरह तो मैं पहले खाना वगैरह खा गिने उन्दे तो बाद जो है तैयारी करे ने पैकिंग शैकिंग कर की दी हूँ धा दो के वाला जुलसों अगर अपने दोस्तों को जितना कोच आवनी है। तो इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आसी बहुत ही मज़ा आसी साकू भी तो थोकू भी तो उतो वाला जो सारा माहौल उसी थोड़ा शेयर करे सूँ। तो वीडियो शुरू करने तो पहले सारी छोटी जी गुजारिश अगर तुम सारे चैनल तो नवे आए सारे चैनल को सब्सक्राइब कर के नो तो नाली जो घंटी का निशान दिता गया वो दबावना भी ना भूल सो। सो फाइनली जनाब हूँ जड़ा है रेडी थे गए तैयारी वगैरह करके दी से रात दे हूँ तकरीबन 9:30 बजते पैन। तो 10 बजे गड्डी वाले साकू टाइम दिता है जेडे कोच वाले आवना साकू गिन के बनना यानी कि टूर से हूँ 10 बजे का टाइम दिता है कि मैं 10 बजे थोड़े को पहुँच वैसा 9:30 थी गए। तो मैं इतों अपने घरों निकलना अगर जितना कोच वाले आवना उन्हें दोस्तों को जुलदे उतना उन्हों को जुलदे तकरीबन आ गए उसी या 4-5 मिनट बन के उतना असं वेट कर गए। तो हूँ जुलदे पे उन्हें ही अपनी तैयारी जी है वह कंप्लीट थी गई है। दुआ करे सो यार तुसा कि अल्लाह पाक खैरियत न सबू पहुँचावे तो खैरियत ना गिन के आवे। जनाब दे पे घर तो बाहर निकलें सड़क तय वदा काली रात अंधारा ही अंधारा है मोबाइल की लाइट बाली वदा मैं अपना मोटरसाइकिल कोना कि नया वो दोस्त जरा डॉक्टर गुलाम अब्बास है ना वो मेरे को अगर रिसीव करना आता पी है उन्हां दे घर उत कोच आवना ही उतना ही सारे बंदा इकट्ठे देना है। तो ऊँ मेरे को मैसेज किया वहाँ कि इरफान भाई मैं तक आके रिसीव कर गया तू घर तो बाहर आ। तो मैं अपने घर तो बाहर आ गया चलते चलते दुकान को पहुँच गया ओ सामने दूर तू मोटरसाइकिल वाली लाइट नज़र आती पी है गलबन वो बंदा आता पी है गुलाम अब्बास ही आता पी बस मेरे को चावन इन चढ़ते हैं तो वाला जुलते पे उत कल थोड़ा पिछा बदा ही मैं अपनी शॉप ते आके खड़ गया ये बारू 4 रुपये पई है थे इं ते 1 मिनट बह वेने उदा वेट करे ने शॉप दा बल्लफ है वो भी बंद है बाहर वाला भाई गेरे शॉप बंद की बल्लफ ही नहीं बाला चा।
सो फाइनली जनाब मेरे को जड़े डॉक्टर गुलाम अब्बास रिसीव करके आए तकरीबन 10 मिनट थी गए उन्होंने बैठक से सब कुछ था वेट करें वही भाई दोस्त भी आए खड़े हैं तो गड्डी वाले इंतजार ही सामने एक गड्डी दाइट आई हूँ गड्डी आ गई है सारी माशाल्लाह घंटा थी गया सब कुछ इंतजार करें हुए तो बस हूँ रेडी थी गए सारे जुलते पे सामने गड्डी आ गई है जन इंतजार करें वैसे सर काफ़ी देर तो इसे गड्डी तो वेने से कोच आ गई है पीछा मोड़ो सारा नाल समान ने वाले बवर्ची वाला उधर खाने पकाने आप पतीले वगैरह चटाई चाहिए खाने अंदर सीटा कवर करने अगर फिर रख छोड़ना वो ये बस रबार के वक्त पूछो तो उसी मरे को लागे तो अच्छा सारा नंबर मिला मेरे नंबर ना असं बैग अपने जड़ा ना सीट के उत्ते रख छोड़े अपनी जहाज जड़ी है माल रखी से सारे बैग इतना पैन मतलब सारी जहाज ही है खोल के बीच रखे सर टप हुए नहीं मैं बस पहले चटाई रखूँ अच्छा बगैरा बलता पिए चेहरा तो गिरता पिए अद्धा सफर की खाने ये नहीं पता कि जा पे खाने काफ़ी थकावट थी गई नींदरी आती आई गर्मी भी काफ़ी थी गई कभी तो एक होटल पर खाने इतना चाय वगैरह पीने थोड़ा रेस्ट करेने बाकी जो सफर है भला वो अखा करे सो इतों वाला तक माहौल दिखाने होटल का बड़ा ही पी आई पी होटल का माहौल जहा कि भला डेरा गाजी खान अगू पिछू है शाह सदर वाली जगह है कोई होटल देखो काफ़ी वादा होटल है माशाल्लाह सारे लंबे थे नींद सारा को बेहोश की होती है बैग ड्राइवर हजरात नहीं साइड तो देखो सुते पैन सारे सुमना वे रोटी खावनी वे सुमना वे रोटी खावनी वे पिला मेरा बना था बना ये तो थक्के पे ना ना बना तू ये पहले बाकी है थक्के वाले अजम सखी सर्वर जो आके डेढ़ घंटा लग रहा है तकरीबन बर्तन तो सारे खाली पैन इतना है सगीर असा इतने हम अगर आ गए वाशरूम वाली साइड से हाथ मुंह धोव ओए जनाना बाथरूम वाली साइड तक ही आखना ओए तू कह रे इडे इडे कड़े मर्दाना गरम पानी पिलाए ना गरम गरम रामेन ठंडे थी गए तो बड़ा सुम पैसा नहीं था फिलहाल तो असा होटल से खाधी पीती कशी खानी इवें लंबे पैदा
रेस्ट करें दे पाए डॉक्टर इतों कह नाश्ते इतों करना खाई के करना है नाश्ता इतों करके बस हूँ फिलहाल रेस्ट करें दे पाए घंटा तो रेस्ट करे सो बाद जल उठी सो नाश्ता करे सो इतों तो बाला अगर जो सफर है वो करे सो कि सारे सुम गए हैं मैं जागता था मैं एक बिया नाल डॉक्टर गुलाम बास भी जागता पिया आई भूख काफ़ी लगी हुई थी सफ़र कर करके जाम पेले लगे भूख लगी हुई थी तो मैं कंटीन तो मैंने उतों का शिवाई के गिना नहीं खाने आए सामने को कंटीन है भाई इंदे तो वहीं के कश गिनते हैं लेस वगैरह ही बुक करने में सर पंजार रुपये था भैया कंटीन तो भाई तक कश चंगी गाने लगनी मैं कर लेस गिनने कुछ लादा टाइम पास भी थी वैसी कुछ खांदे ते बाकी कोई पेट पूजा भी थी वैसी सारी सारी आवाम जड़ी है मोई पई है बाकी ट्रक वगैरह खड़न ते होटल जड़ा है माशाल्लाह काफ़ी बड़ा होटल है पिया ते वैसे वेलकम बारबेक्यू रेस्टोरेंट बारबेक्यू का क्या मतलब होना मैं कहीं नहीं समझ आती पई ये साडा सवेरे सवेरे का नाश्ता जड़ा है तकसीम थे पी है ठीक ही के डू डू है भला एक ही ये सवेरे का सगू नाश्ता मिले जनाब सो गुड मॉर्निंग जनाब सुबह सुबह तक टाइम थी गया हूँ उठे अजय नाश्ता को नहीं सकी तो नाश्ता थोड़े सामने सबको ये नाश्ता मिलता पी है तकरीबन दो अढ़ाई घंटे ते रेस्ट किया से सुते रह गए नींद तो वैसे जो कोई नहीं पूरी थी दिक्कत ना वाला सब उठाए ने भी अगर ना जरा सफर भी है वो करूँ अपना होने तो चाय वगैरह पीने बिस्कुट खाने तो बता दें जैसे अच्छा अच्छा के चाह तो हम डे हो तुझे क्या पहले शुरू की थी पहले चाह हम डे हो हाँ सोनी बन दी भी सोनी सही है असा तो बिस्कुट गिन के बैठे चाह के इंतजार ही चाह वे लेकिन एडो हाजी साहब होनी चाह का इंतजार को नहीं की पे उन्होंने ज्यादा भूख लगी थी मेरे ख्याल है वो चाह तो बगैर बिस्कुट खाती मैंने तो ज्यादा भूख लगी पी है आए? तुसा चाह पीवनी है बिस्कुट खा के दिन तो छोड़ो बस फाइनली जनाब हूँ जो नाश्ता कर किया चाह वगैरह पी की से भैया तो नाश्ता को नहीं से सिर्फ चाह पीती से बिस्कुट खाते पीते से तो सारे उठे ने अपनी गड्डी जमाते पे ए बैक साइड तो अपनी गड्डी खड़ी थे अगर सखी सरवर असा हूँ पहुँचना पहले तो उनका सफर रहा पी तकरीबन 30 किलोमीटर आके रहा पी है तो जुलते पैर सखी सरवर उतना वही ज्यारत वगैरह करे सो इन तो बाद वाला जो भी सफर बाद अस निकलते पे होटल तो मौसम जो बड़ा वीआईपी बन गए ठंडी ठंडी हवा चलती पी है वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें शुक्रिया।